एक से लगा के 100 के बीच में टू डिजिट का कोई भी नंबर बोलो, जैसे 63, 83, 29, 74, 87, एक एक जना बोलते जाओ, या यू कह लो कि आपके मोबाइल नंबर का लास्ट का टू डिजिट का कोई भी नंबर बोलो, मैं यहाँ पे लिखूंगा। कोई भी दो डिजिट का नंबर बोलिएगा, जैसे इन्होंने बताया 95, ऐसा ही आपको बताना है। 23, 79, मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ, पीछे दिख रहा है ना आराम से। 79 आगे सर, 62. चलो 62, 44, 86, बोल दिया दोबारा, बोल दो कोई बात नहीं। आगे आप बताइए, लेडीज में कोई भी नंबर बोलिएगा। 68, और कोई मैडम आप बताओ, कोई भी नंबर बोलना है अपने को, तो याद तो करना नहीं किसी को, नंबर भी नहीं बताओगे। 59, बताओ सर कोई भी नंबर। 39, और कोई पीछे से लास्ट। 85, 03, 69, और कोई बोलेगा नंबर कुछ भी, इसको तो भर देते हैं। 72, 81, 15, 99, 11, 95, 08, 21, 35, 37, 44, ये वैसे यहाँ आ गया पर कोई नहीं, आगे 77, चलो 57। अभी अपन इसे सुनाते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब मैं इसे बोलना रिकॉल करना चालू करूं तो एक निवेदन छोटा सा है कि आप बीच में मत टोकिएगा और गलत हो गई ऐसे मत करिएगा, नहीं तो मेरी एकदम टूटेगी। जब मैं पूरा बोल दूं उसके बाद में आप इसे बता देना ये चीज़ गलत थी। रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ में जो आए, या आप कर देना, आप राइट का निशान लगा देना, इनके पास मार्कर है तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ बोलना, देखो 95237968625939850369697218115991 अगेन 95082135374457, मेरे हिसाब से हो गई सारी, है ना। तो ये चीज़ अभी इतनी सी याद है नहीं, ये डिजिट और भी ज़्यादा लिखी जा सकती है, लेकिन इससे पर्पज़ क्या हल होगा ये डिजिट याद करके, इसे मिटा के दोबारा लिख के करके दिखाओ तो मतलब क्या निकला, रिजल्ट कुछ नहीं है। बस ये कि मेमोरी इतनी तेज़, कोई ऐसी टेक्निक है क्या जिससे कि अपन इसको एक बार देखते ही याद कर लें। तो ऐसे अपन क्या क्या चीज़ें याद कर सकते हैं वो मैं कंटेंट आपको बता देता हूँ, जो अपनी क्लासेस के अंदर जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो सिखाते हैं वो मैं कंटेंट बताता हूँ। अगर उनमें से कोई भी कंटेंट आपके लायक हो, आपको लगे कि यार ये हमारे सिलेबस में कवर होता है तो अपने को चीज़ सीख लेनी चाहिए, तो देखो इससे डिक्शनरी पूरी याद की जा सकती है, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री के डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ कितने लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स की सेक्शन, IPC की धाराएं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगती हो कि हमारे स्कूल में तो ये चीजें आती ही नहीं है लेकिन स्कूल लेवल पर हमें यह सीखना है, कॉलेज लेवल में हमें यह करना है, या कंपटीशन एग्जाम लेवल पर हमें यह करना है, तो जो चीज आपको लगे वो याद की जा सकती है। और अभी सेमिनार स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने एक जिक्र किया था विपुल सर ने कि कोई भी बुक पेज नंबर सहित 800 पेज तक की याद कराई जा सकती है। और अभी सर जो यहाँ मौजूद थे चेयरमैन सर, मेरे को नहीं लगता अभी चले गए नहीं, मैं पूछता स्कूल में कोई 800 पेज की बुक होती ही नहीं है, 200, 250, 225, 100, 150, 300, मैथमेटिक्स के अंदर याद करने का कुछ होता नहीं है, जो याद करने की रही वो चीज़ें वो अपन तेज़ी से याद कर सकते हैं। सर भी हैं शायद ही होती है कोई बुक 300, 800 पेजेस की, कॉलेज के अंदर ही देखने को नहीं मिलती, हमने भी M.Com, MBA, CS करा है, हमारे को तो कोई मिली नहीं बुक, CS कंपनी सेक्रेटरी में भी नहीं है कोई ऐसी बुक, ना इनकम टैक्स की 800 पेज की है, कहीं कुछ नहीं मिला। तो अपने पास में ऐसी टेक्निक है जिससे कोई भी बुक को पेज नंबर सहित याद किया जा सकता है, कितने दिन में, 10 दिन में, 10 दिन का वर्कशॉप होने के बाद 11वें दिन हम पेरेंट को बोलते हैं कि आपके सामने बच्चा खड़ा है इससे पेज नंबर, तब ये आप फंडा यूज़ करना भी करके दिखा, तो 10 दिन की क्लास यूज़ होने के बाद कर लेने के बाद में अपन उसे बुक देंगे पेरेंट को, बच्चा सामने खड़ा होगा और आप पूछो पेज नंबर 43, 93, 64, 87, वो कंटेंट बताएगा सारे। अब ये यहाँ तो क्लास होगी तब आप रिजल्ट देख ही लेंगे, पहले देखना है रिजल्ट तो मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए आते ही लिख दिया था,
1250 वीडियोज़ हैं दुनिया भर के, 350 स्कूलों के अंदर सारे बच्चे करके दिखाते ही हैं, तो वहाँ पे सारे कंटेंट है, सारे पेरेंट्स के सेमिनार होते हैं, जिन बच्चों ने क्लास की उन बच्चों के पेरेंट के सामने उन बच्चों का रिजल्ट होता है। तो आप इसकी फ़ोटो खींच लो और इसे देख लेना, वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो, चैनल पर भी देख सकते हो, सारे वीडियोज़ हैं दुनिया भर के। और कल ही एक डाला है अभी लेटेस्ट जलंधर का, वहाँ पर भी क्लास चली रही है, तो करके आए हैं। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं माइक जो है विपुल सर को दूंगा, ये समाप्त करेंगे फिर अपन आगे करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और हम लोग बहुत प्लान कर रहे हैं जल्दी कि इस प्रोग्राम को जो है यहाँ पे किया जाए, और मैं विकी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी वीक के अंदर हम लोग इसको प्लान कर सकें। और जो है विकी जी को माइक हैंड ओवर करूँगा कि इन लोगों ने इतना पेशेंस के साथ सुना, और वी आर वेरी मच ग्रेटफुल एंड हैप्पी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए भी यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट निकाले जा सके और आप लोगों के लोगों को भी ले जाया जा सके। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, इट्स नाउ इट्स योर टर्न, आप भी करें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप यहाँ तक आए, इतना आपने टाइम दिया, और आई एम होपिंग के सबको ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपके काम की चीज़ निकली होगी यहाँ पे, एंड आई एम श्योर के अगर आपको आपके काम की चीज़ लगती है तो आपके जैसे जितने भी यंगस्टर हैं आप उनको ये चीज़ें बताओगे, है ना। बाकी उनको काम कैसे बताना है, क्या समझाना है, वो हमारा काम है। आप उनको सिर्फ इतना बता सकते हो कि आपका ये हमारे पास ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप माइंड की जो भी एक्टिवेशन है वो आप बढ़ा सकते हो, माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो, ग्रैस्पिंग पावर जो माइंड की है वो आप बढ़ा सकते हो। कैसे 5 से 15 साल के बच्चे किस तरीके से इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। सो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, और अभी मैं रविशंकर जी को देता हूँ फोन, माइक, फोन की आदत हो गई है सर, कोई बात नहीं, फोन माइक्रोफोन एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप में से जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपने देखा, आपको क्लियर तो हो गया ना पूरा प्रोग्राम कि क्या चीज़ है, कैसा लगा आपको? तो इस प्रोग्राम के लिए जो सर का डेमो था, इसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए, रुकनी नहीं चाहिए, जब तक मैं बोलूँ नहीं रुकनी नहीं चाहिए, एक बार रिदम के साथ प्लीज सर कंटिन्यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर प्रोग्राम करके, और स्पेशल थैंक्स टू विक्की सर, दीपक सर, उनके टीम मेंबर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलेंगे नेक्स्ट, जब जैसे वर्कशॉप स्टार्ट होगा, जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम होगा स्कूल में या फिर वहीं यहीं पे स्टार्ट करेंगे तब। थैंक यू।